भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व में पहचान है। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा से, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर दीपक चोपड़ा से। डॉक्टर साहब, भारत की जो परंपरा है यहाँ की, साथ ही साथ आध्यात्मिक चेतना जो है, वो पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना के रखी है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का समय रहा हो, चाहे महर्षि जी का काल इस काल में रहा हो, और अब आप उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप इसको किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? जो हमारे वेदों में लिखे हैं, जो ऋषियों की टीचिंग्स हैं, जो योग विशिष्ट जिसकी बात करते हैं, जो उपनिषद में है, भगवद गीता में है, अष्टावक्र गीता में है, इनकी जो टीचिंग्स हैं, हम उनको साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं और कॉन्शियसनेस की स्टडी कर रहे हैं, इसकी बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स, ब्रेन में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, जब लोगों को आत्मा का दर्शन होता है या जब ट्रांसेंडेंस होती है, जो महर्षि जी ने शुरू किया उसका, यू नो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के साथ, जिसने उस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट जो महर्षि जी ने शुरू की थी, उसको आप आगे देख रहे हैं कहाँ जा रही है। जैसा कि नासा ने भी कुछ दिनों पहले जो एक रिसर्च की थी, नासा ने रिसर्च करके उसमें महर्षि जी की जो बीटल्स की जो राग थे, जय गुरुदेव को लेकर गीत को उसने प्रक्षेपण किया था, उसको बाद में रिसीव किया और उसको दिखाया। तो आज जो शब्द ब्रह्म की जो परिकल्पना हमारे भारत में थी, कि जो शब्द ब्रह्म है, और वो परिकल्पना बिल्कुल साकार हो रही है, जिस तरह से नासा ने करके दिखाया, यू आर ऑल्सो ए साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट की तरह से और स्पिरिचुअल लीडर के होने के नाते आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे हम कहते हैं ना, उपनिषद में पढ़ते हैं कि ब्रह्मन है और ब्रह्मांड है, तो जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मन की मैनिफेस्टेशन है, शब्द के थ्रू, शब्द वाइब्रेशन है, जो अपने मंत्र हैं, सारे चाहे बीज मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, महालक्ष्मी के मंत्र हैं, जो भी मंत्र हैं, वो शब्द हैं, और जब ध्यान धारणा समाधि के साथ कंबाइन किए जाते हैं, इनमें बहुत पावर है, मंत्र की शक्ति है। सूर्य के जो 12 चक्र होते हैं, 12 जोन्स हैं, उन 12 चक्रों में टाइम जोन में बटा हुआ है, सेम टाइम रागों का भी ऐसे चक्र होता है, इस तरह से उसका इफेक्ट पड़ता है। दे आर मेंट टू सिंक्रोनाइज बायोलॉजिकल रिदम्स विद यूनिवर्सल रिदम्स। आप अपने गुरु के बारे में, महर्षि महेश योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? महर्षि जी गुरु थे, गुरु की कृपा है, जो भी सब हो रहा है मेरी लाइफ में, उनके उन्हीं की दया है, उन्हीं का आशीर्वाद है। महर्षि ने ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू की, अब हम एक अपनी जर्नी में है, लेकिन हमेशा महर्षि को याद करते हैं। मैं जब रशिया गया था, पोलैंड गया था शुरू शुरू में, तो बहुत उन्होंने आशीर्वाद तो दिया, पर एक एक चीज़ समझाई, किससे क्या करना, क्या बात किससे करनी। ही मेड श्योर कि मेरे पास पैसे थे, भोजन के लिए अरेंजमेंट्स थे, जैसे जैसे पेरेंट्स करते हैं। आप अमेरिका में रहते हैं, लॉस एंजेलिस में रह रहे हैं, तो आपको भारत की धरती, भारत की मिट्टी याद आती होगी, यहाँ की सुंदरी गंध आती होगी, आपके मिलने जुलने के वो क्षण याद आते होंगे, माँ के साथ रहना, बचपन में माँ के साथ जो वक्त बीता वो याद आता होगा, पिताजी के साथ, कर्नल साहब के साथ जो वक्त बीता वो याद आता होगा, कुछ उसको शेयर करना चाहेंगे हमसे? वो सब आते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस हैं, माता की मेमोरीज हैं, जब वो पढ़ती थी, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, भगवद गीता रिसाइट करते थे, पिताजी के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे, मेरी माता पिताजी महर्षि के डिसाइपल्स भी थे, तो बहुत एसोसिएशंस थे उनके साथ। महर्षि जी ने जो यात्रा आरंभ की थी भारत की धरती से, जो शुरुआत किया था साउथ से लेकर के और फिर पूरे विश्व में लेकर के गए, तो उस समय बीटल्स आए सबसे पहले, उस समय मिले मियाँ फेरो मिली, एलिजाबेथ टेलर भी आई, तमाम ऐसी हस्तियाँ मिली, और बाद में उनका जैसे जॉर्ज हैरिसन थे, लास्ट में वो आए भी, अंतिम समय भी उनकी इच्छा थी कि बनारस में पहुँचे। तो इस तरह से जो इच्छाएं थी, बाहर के जो कलाकार हैं या बाहर के जो ऐसे स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ने वाले लोग हैं या राइटर्स हैं या कलाकार हैं, तो उनकी जो फीलिंग्स थी, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो भारत की जो अपनी सत्ता है, भारत की जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको लेकर के वो प्रभावित होते रहे और दुनिया आज भी उसी तरह से पा रही है? हाँ, आज भी है। महर्षि ने
शुरू किया लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ जर्नी, वो तो चल रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये लोग पिछले जन्म में यही थे, यहाँ से गए हैं। आप अमेरिका में हैं, यहाँ भारत के जो तीज त्यौहार हैं, जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बड़े त्यौहार है, होली है, दशहरा है, दीपावली है, होली का त्यौहार आता है, रंगों का त्यौहार होता है, वसंत पंचमी आ गई तो उसका रंग अलग होता है, तो कभी उस तरह का मनाने का वहाँ होता है तो कभी आयोजन? कभी कभी होता है लेकिन हम देख लेते हैं इंटरनेट में आजकल क्या हो रहा है। आपने एक बार मुझे याद है कि कहा था कि माइंड इज द बिगेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। माइंड जो है सबसे बड़ी फार्मेसी है, अगर माइंड को कंट्रोल कर लो तो आपकी बॉडी बिल्कुल इसके साथ रहेगी और आत्मा को आप साथ में लेकर के चलोगे। तो ये आपको इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? जो भी अपनी चेतना में उभरता है उसके साथ मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, इम्यून फंक्शन रेगुलेट होती है। तो अपना जो माइंड है, माइंड इंटेलेक्ट ईगो जिसे कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, पर ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से निकलता है जहाँ अपने वासना है, कर्म है, संस्कार है। तो वो रेगुलेट करते हैं जो बायोलॉजी में होता है। ध्यान से क्या होता है कि अपनी साक्षी की जागृत हो जाती है। जब साक्षी की जागृत हो जाती है तो वन कैन कॉन्शियसली इन्फ्लुएंस व्हाट इज़ हैपनिंग इन द माइंड इंटेलेक्ट एंड बॉडी एंड चेंज व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बायोलॉजी। एक फ्लावर को हम रख लेंगे उसे कॉन्शियसनेस है, वो हमारी चेतना का एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। तो ये आप कैसे बताएंगे? कॉन्शियसनेस के बिना कोई ब्रह्मांड नहीं है। जो यूनिवर्स है वो अपनी चेतना में है, अपनी जो बॉडी है वो भी चेतना में है, माइंड भी चेतना में है, सब चेतना ही है। चेतना के बगैर कोई दुनिया नहीं है। आउटसाइड ऑफ कॉन्शियसनेस नथिंग एग्जिस्ट। कॉन्शियसनेस द लाइट ऑफ अवेयरनेस दैट मैनिफेस्ट्स द यूनिवर्स। यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी वहाँ से लगती है जब आप अमेरिका में होते हैं? किस तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है? भारत बहुत वेस्टर्नाइज हो रहा है, इतना कल्चर लूज कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम बैक टू इट बिकॉज दिस इज द गिफ्ट टू द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड को गिफ्ट है वो भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। डोंट बी सेड्यूस्ड बाय द वेस्ट, गो बैक टू योर ट्रेडिशंस बिकॉज इन देयर इज द हीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।